हेलो दोस्तों, आपने अक्सर ये जरूर सुना होगा कि शराब जितनी पुरानी होती है उतनी ही ज्यादा चढ़ती है। पर आपके अकॉर्डिंग कोई भी शराब कितनी पुरानी हो सकती है? 10 साल, 20 साल या 50 साल? जानेंगे आज दुनिया की सबसे पुरानी शराब के बारे में। पर उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दरअसल ये बात है सन 1867 की, जब जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट को रोमन मकबरों की खुदाई करते समय एक बहुत ही यूनिक डिजाइन की बोतल मिली। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये बोतल करीब 1700 साल पुरानी है। अब सवाल ये आता है कि इतने समय में तो शराब को इवेपोरेट हो जाना चाहिए था, तो इसका जवाब छुपा है इसकी सील में। असल में इस बोतल को मोम यानी वैक्स से सील पैक किया गया था और ये लंबे समय तक बोतल में सेफ रहे, इसलिए ऑलिव ऑयल का भी यूज इसकी पैकेजिंग और इसके स्टोरेज में किया गया था। बताया जाता है कि ये बोतल 325 से 350 एडी के बीच में तैयार करी गई थी। ये बोतल जर्मन के स्पेयर शहर में पाई गई थी, इसलिए इसका नाम स्पेयर वाइन बोतल रखा गया है। और ये हिस्टोरिकल म्यूजियम ऑफ पैलेटिनेट में रखी गई है, जो कि स्पेयर शहर में ही स्थित है। वैसे क्या आप भी शराब के शौकीन हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जाते जाते चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।